Hello, assalamu alaikum. My name is Muhammad Lal. You're watching. I am Lal. आज हम आपको सुनाएंगे एक अदद स्टोरी। पसीना देख रहे हो? लाहौर की तपती जून जुलाई की गर्मी में भाईजान पंखे पंखा नहीं पंखा पंखे के बगैर, ठीक है, शीशे वगैरह बंद करके, चूंकि आवाज़ें आती हैं बाहर से, शीशे वगैरह बंद करके पिन ड्रॉप साइलेंस, जीरो एयर क्रॉसिंग के साथ वीडियो बना रहे हैं। मोहब्बत कहते हैं इसको, ठीक है ना? मेरी जबान में तो एटलीस्ट, पता नहीं आपको, पता नहीं कौन सी जबान बोलते हैं। खैर, आज मैं आपको सुनाएंगा स्टोरी। अब परेशान ना हो ना कि भाई स्टोरी भी सुना रहा होता है कभी, ये भाई पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, कभी स्टोरी सुना रहे होते हैं, कभी ये भाई बड़े लेक्चर दे रहे होते हैं। नहीं यार, ये चैनल क्या है? आई एम बिलाल। चैनल में क्या है? मैं, आई एम बिलाल और आप, और हमारी पूरा सफ़र, ठीक है? उसमें हम वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है? उसमें हम वीडियो तो बनाएंगे ही, उसमें हम पॉडकास्ट भी बना सकते हैं, उसमें हम स्टोरी टाइम भी कर सकते हैं, उसमें रिएक्शन वीडियोस भी बना सकते हैं, उसमें हम व्लॉग्स भी बना सकते हैं, उसमें हम इवन कवर भी कर सकते हैं, कुछ सुनाते या कुछ हम्द वगैरह, इफ यू, बल्कि मैं शायद कर भी लूँ एक आदत, ठीक है? नया माइक लिया भाई, ये यही ले रहे हो आप? पैसे खर्च किए हैं भाई, पैसे पैसे खर्च किए हैं। खैर, अब ये भाई हैं, गौर से देखिए चेहरे को, ये भाई हैं सेथ गोडन। ये अंकल हैं एक अमेरिकन ऑथर, इन्होंने कोई 20 इनकी बेस्ट सेलर्स हैं, मुझे नहीं पता कितनी लिखी हैं, ये सारी बेस्ट सेलर थी, इतनी डिटेल मैंने कभी गया नहीं, इतनी ज़िंदगी में और भी काम होते हैं। खैर, 20 हज़ार कोई किताबें लिखी हुई हैं। तो अब लोग जो लोग जानते हैं इन अंकल को, वो जानते हैं कि भाई ये अंकल अपनी फील्ड में बड़े फेमस भी हैं और बड़े रेलिवेंट भी हैं। तो इन अंकल को कोई पाकिस्तानी पॉडकास्ट इनवाइट आज तक भी किसी ने किया नहीं है, लेकिन ये भाई अगर किसी पाकिस्तानी पॉडकास्ट में आए तो इट वुड बी समथिंग बिग, इट वुड बी समथिंग न्यू एंड बिग। क्योंकि भाई जान, पहली बात तो ये पॉडकास्ट वगैरह का कभी पाकिस्तानी पॉडकास्ट में आए नहीं, दूसरी बात ये ऐसे पॉडकास्ट कम कर। अब हुआ ये, मैंने पहला पॉडकास्ट कर लिया सायद दीम के साथ। अब बड़े लोग मुझे पूछते हैं भाई कॉन्टैक्ट कैसे करें, सायद में कॉन्टैक्ट कैसे करें, सायद में कॉन्टैक्ट करें। मैं ऐसी शक्ल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरा कोई दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार या मेरा उस्ताद नहीं है वो डायरेक्टली, ठीक है? वो तो तुक्का लग गया मेरा, एक जेन्युइन तुक्का लग गया। तो मेरा उसका सेशन डन हो गया, सेशन डन हो गया तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली तो पॉडकास्ट बन गया, पॉडकास्ट बन गया तो बकायदा अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैंने कभी सीरीज़ कंटिन्यू कर लो, उसको प्रॉपर पॉडकास्ट सीरीज़ बना लो और लोग को बताते रहो, और ये पूरी सीरीज़ बन गई। इस ये थी पूरी इसे गेम, ठीक है ना? इट वॉज प्री प्लानिंग, इट वॉज जस्ट कि मैंने कुछ मेरा तुक्का लगा, उसके वजह से सारे दिन आ गया, सारे दिन आ गया तो फिर मैंने इसको सीरीज पॉडकास्ट सीरीज को कंटिन्यू कर दिया। खैर, मैंने शायद अजीम पहला पॉडकास्ट शायद मेरा तो हो गया, बड़े फॉलोअर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, बड़े लोग पसंद आ रहा है, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरी वीडियोस पे लिख रहे हैं कि भाई ये बड़ा प्यारी वीडियो, जिन्होंने मेरे दोस्तों में से पुराने किसी ज़माने के दोस्त या कजन वगैरह जिन्होंने आज तक मेरी वीडियो लिखी हो, वो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा भाई हाइप बन गई है, अब अगला गेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, अगला गेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो मैंने वो लिख दी 10-12 लोगों को ईमेल है। अब लगता है यहीं से ऐसे ना पीछे से बैठ के कि भाई बड़ा आसान है, कोई भी गेस्ट आ जाएगा मुँह चुक के, लेकिन किसी गेस्ट को बुलाना हो भी, किसी थोड़े रेलिवेंट गेस्ट को बुलाना एक बाकायदा मेहनत का काम होता है। खैर, तो वो भाईजान, मैंने 10-12 लोगों को ईमेल लिखी, उनमें से एक साथ गोल्डन भाई भी थे। अब अल्लाह का करम ये हुआ, पहले भी तुक्का लग गया, शायद ये शायद गोल्डन से भी तुक्का लग गया, मेरे पसीने छूट रहे बाकायदा। खैर, अब शायद गोल्डन से भी तुक्का लग गया, तो शायद गोल्डन साहब ने पता क्या लिखा मुझे ईमेल में, ये ईमेल है, कहता है लिटरली उर्दू में कि मैं पॉडकास्ट करता नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी खातिर कर लूँगा। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे कोई फुप्पो का बेटा हूँ, मेरे साथ मेरी वजह से कर लोगे? खैर, तो मैंने कहा अच्छी बात है, हमने पॉडकास्ट डन कर लिया। अब मैं हूँ शदीद इंतहाई वेला आदमी, मेरे ना बस चले मैं उसी दिन के 2 घंटे बाद पॉडकास्ट डन कर लूँ, लेकिन मैंने जान पूछ कर टाइम लिया, मैंने हफ्ते का टाइम दिया अपने आप को, अंकल को, कि भाई प्रेपरेशन करके प्रॉपर स्टडी, इंग्लिश इंग्लिश तैयार करके रिसर्च करके आएंगे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉडकास्ट बनाए।
अच्छा, मैं पूरा पर सर्च सर्च करके 7th of May थी जिस दिन हमारा पॉडकास्ट था, रात के 11:30 बजे, रमज़ान था। अब वो अंकल आए हैं, अब क्या हुआ, वो दिखाते हैं ना इंडियन मूवीज़ में कि पूरा मंडप तैयार है और सारी शादी होने वाली है, एंड पे दुल्हन भाग जाती है। मेरी जगह वो दुल्हन तो नहीं भागी खैर, लेकिन ना वो जो होते हैं ना वो पंडित साहब जो कनेक्शन प्रोवाइडर होते हैं वो भाग गए। अब मैं पहले सब कुछ तैयार शार करके फुल मूड से बना रेडी हूँ कि भाई आज तो टकाटक पॉडकास्ट करते हैं। भाईजान इंटरनेट साहब ने, PTCL साहब ने शक गंदी कर दी मेरी, पीढ़ी सब चले ही नहीं। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार इसने मनुष ने काम ख़राब कर दिया। अब वो आया, उसको मेरी आवाज़ ही ना पहुँचे। मैं कहूँ सो व्हाट्सअप, हाउ यू डूइंग, वो है सॉरी, हाँ ओ यस आई एम फाइन, ओ या हाँ। अब बेचारे की टेढ़ी भी थी, वो ना टेढ़ा फुल आ गए लेके, वाह व्हाट, ओ या इट इज गुड टू डू दैट। मैंने कहा यार, अब मेरा दिमाग ही चल रहा है, मेरा दिमाग उड़ा, थोड़ा सा पैनिक कर गया मेरा दिमाग कि भाई जान बिलाल साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये भाई जान भागने लगे हैं, इतना आगे भागने लगे हैं। अब मैंने पैनिक करते हुए किया, मैंने ना अपने मोबाइल का डाटा ऑन करने की कोशिश की, मोबाइल साहब का डाटा उससे भी ज़्यादा मनहूस। मैंने मोबाइल का डाटा ऑन किया तो भाई बिल्कुल ही कनेक्शन कट गया, कोई 5-2 मिनट के लिए। उतनी देर में भाई आंख गए, कहते मोहम्मद दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, आई एम लीविंग बाय। अब मैं शक्ल देख रहा हूँ, अब आपने पूरा इतनी भाई बनाई होती है, ठीक है आपने बनाया होता है, उस तो गोल्डन आ रहा है मेरे पॉडकास्ट में। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाता नहीं ऐसी बातें, लेकिन लिंकडिन पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों वगैरह को बताया, वो आ रहा है। जब वक्त आया तो पीटी सेल साहब आ गए, और क्या बना फिर। अब आप सोचो कि भाई आपने इतनी हाई बनाई एक चीज़ के लिए कि भाई सेथ गोल्डन मेरे पॉडकास्ट में आ रहा है। आपने बनाया हुआ कि भाई सेथ गोल्डन का बहुत बड़ा फ़ैन है इरफान जुनेजो, आप सेथ गोल्डन को बुलाओगे तो वो भी होगा, और पूरी आपने गेम सोची पड़ी है, प्लानिंग। वैसे बड़े मज़े का एक मॉरल, इसमें मॉरल स्टोरी भी क्या, अच्छा वो भी आपको बताऊंगा एंड पे, और पूरी गेम सोची पड़ी है। एंड पे क्या हुआ है, ये नहीं हुआ कि आप लेट हो गए हो या ऐसे, बिजली चली जाती है पाकिस्तान में, लेकिन चलो बिजली भी नहीं गई। क्या हुआ, PTCL ने क्या कर दी, गंदी। अब आप शक्ल देख रहे हो उस, अब आप सोचो कितनी को आपको उस मोमेंट में अपने आप को फील करो। एक अंग्रेज़ आपके सामने बैठा हुआ है, बड़ा मशहूर ऑथर है, ठीक है, जेनुअनली बड़ा मशहूर ऑथर है, मिलियंस ऑफ बुक्स सोल्ड हो गई हैं उसकी कॉपीज़, एक बुक की 1 मिलियन कॉपी सोल्ड होती हैं ऑन एवरेज। अब आप उसके सामने बैठे हुए हो, आपसे सवाल पूछ रहे हो, अगर व्हाट, आई एम सॉरी आई कांट हेयर यू, व्हाट ऐसे ऐसे कर रहा हो, आप सोचो कितनी को इंसल्ट फील होती है बोगी बंदे को। खैर वो इंसल्ट में कोई भाई निकल गए, एंड पे एंड कहते हैं मोहम्मद दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, आई एम सॉरी, आई फील आई कैन नॉट ब्रिंग वैल्यू टू योर ऑडियंस और योर सेल्फ, बट आई एम सॉरी आई एम लीविंग। तो मैंने कहा ठीक है यार चले जाता हूँ। मैं गया तो मोरल स्टोरी इज, तो ये थी स्टोरी। मोरल स्टोरी इज कि भाई पीट सेल का कोई ट्रस्ट ना करो, और साथ ही साथ और सीरियस नोट के ना, ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपने पूरा ऊपर एक प्लानिंग रखी होगी कि भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे एम ये ऐसे ऐसे करेंगे, और अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल ही धस्त हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसी चीज़ की वजह से जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं, जैसे कोरोना भी हो सकता है, और आप अश्चित लेवल के बेबस फील करोगे। लेकिन याद रखना उस, वो मौका आपकी ग्रोथ के लिए और आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होगा, होता है, पेश होगा। तो आई होप यू लाइक द स्टोरी। एंड उसके बाद भाई से दोबारा बात की, मैंने कहा यार मैं पॉडकास्ट पर जो, वो कहते नहीं, और उन्होंने कहते साफ इनकार, नो आई एम सॉरी मैं नहीं आ रहा। पहले मोहब्बत दी, मोहब्बत छीन ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिया उन्होंने छोड़ दिया मुझे, लेकिन उसने तो भैया नहीं किया, साफ इनकार, नो आई एम सॉरी आई डोंट आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर। सर मर्जी सर आपकी, आपकी जो आप हुक्म के बादशाह। खैर आई होप यू लाइक द वीडियो, बाकी कोई सवालात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे ये ले फिस्ट पम्प।
क्वेश्चन आंसर वगैरह करते हैं, कुछ बताएं क्या करें, आइडिया आइडिया दें, कोई वीडियो पर रिएक्शन दो देना चाहे तो, मैं ट्राई नॉट टू लाफ, क्रिंजी वीडियो रिएक्शन, मैं सब कुछ करता हूँ, टेंशन ही लेनी। तो कहना ये बिलाल भैया ये है वही है जो जो असल ज़िंदगी में वही कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली देर इज़ अ कैमरा इफेक्ट ओवर हेयर कि आप एग्जैक्टली तो वो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश वही करता हूँ कि भाई 24/7 जो है ना सीरियस बातें नहीं करता मैं, शुगर ही बड़ा लगाता हूँ, तो उसी हम शुगर यहाँ पे भी लगाए। तो कोई टॉपिक जो करना होगा कि बाकी आइडियाज़ बहुत बड़े बड़े हैं, बुलिंग पे टॉपिक है, रिलेशनशिप से बहुत वीडियोज़ बन सकते हैं, तो वीडियोज़ आ रही हैं, आई होप यू कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। एंड आप लोग को क्या था लफ्ज़, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद पेश हो, बाकी सी यू कहते हैं नेक्स्ट टाइम। पसीने से भीग गया हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं कुछ और बात करूँ, जेन्युइन मैं क्या 1 सेकंड के दिखा रहा था, ये कोई शावर लेके नहीं आया मैं, ये अल्लाह के हुक्म ये शावर मेरा। आहा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू अगेन फॉर 1,000 सब्सक्राइबर्स, इंशाल्लाह वीडियोस आ रही होंगी और भी, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बिग बिलाल की तरफ से खुदा हाफिज़।